है, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए बेटे बात करनी थी। कल हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बेटे बना लिया था, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सॉलिड्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं उनके लिए। तो जब हम बेटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेटअप की बात करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में से आप कोई भी आपका जो सॉरी सेमीकंडक्टर मटेरियल है कोई भी चूज कर लो अगर, तो इनका बेटे जो ऑक्टेट है, लास्ट वाला जो इनका ऑर्बिटल है, उसमें 4 वैकेंसीज हैं और 4 इनके ऑक्यूपाइड सीट्स बाय द इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है। तो इट विल मीन दैट कि अगर मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिलिकॉन का बेटे ड्रॉ करूंगा तो आई विल हैव दिस टाइप ऑफ सेटअप। दिस इज वन सिलिकॉन एटम, दिस इज सेकेंड एटम, दिस इज बेटा थर्ड और सो ऑन। अगर मैं सिलिकॉन एटम्स बेटे इस तरीके से ड्रॉ करता चला जाऊंगा तो मेरे पास बेटे जो है ये सारे का सारा सिलिकॉन क्रिस्टल जो है ये डियर चिल्ड्रन इस तरीके से बन जाएगा। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ बेटा जिस तरीके से कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद वो आपको बेटे कुछ इस तरीके की कोवलेंट बॉन्डिंग का सेटअप जो है ये दे दिया करते हैं इस तरीके से बेटा, दिस वे। ये चीज आपके पास बेटे जो है ये ऐसे बन जाएगी। आइए अब थोड़ा सा इसके जो आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके भी अकॉर्डिंगली बेटे हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार समझें। इमेजिन कर लीजिएगा ये सिलिकॉन एटम की बात करें, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक इसका इलेक्ट्रॉन बेटे जो है यहाँ पे है और एक इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये फर्दर मोर बेटा इस कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। मतलब चारों यूज हो गए इसके। अगर मैं बात करूं इस सिलिकॉन एटम की, इसके पास भी 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी बेटे कंप्लीटली यूज हो रहे हैं। डियर चिल्ड्रन अगर मैं इसकी सिलिकॉन एटम की बात कर लूं, 1 2 3 4 इसके भी चारों यूज हो गए। इस सिलिकॉन एटम की बात कर लूं तो 1 देन बेटा दिस इज सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये भी यूज हो रहे हैं। आई जस्ट मीन टू से दैट आप कोई भी सिलिकॉन का एटम चूज कर लो, उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स बेटे जो हैं इस तरीके से कंप्लीटली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, कंप्लीटली यूज हो रहे हैं। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अवेलेबल नहीं है। इट विल मीन दैट बिकॉज चार्ज कैरियर्स अवेलेबल ही नहीं है करंट कंडक्शन के लिए, आपका जो ये सेमी कंडक्टिंग मटीरियल है अगर आप इसको लो टेम्परेचर पर रखोगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज कोई भी चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है। फिर हम बेटे क्या करते हैं कि इसको रूम टेम्परेचर पर एडजस्ट कर देते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके। जब ये रूम टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो इसकी जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हुए हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच हो जाता है आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इट विल बी नाउ इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और ये कहीं भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव कर सकता है, लेकिन जिस जगह से ये आया है वहां पर एक होल क्रिएट हो गया बेटा। इस होल को फिल करने के लिए इमेजिन कर लो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाता है, होल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके ये इलेक्ट्रॉन इस होल पर जंप कर जाएगा, आपका होल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे अगर आप अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर का टेम्परेचर लो टेम्परेचर से इंक्रीज करके इसको रूम टेम्परेचर पर ले आते हो तो आपकी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की बेटे फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है और आपका ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर अच्छे से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मैं सिर्फ एक आपको कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करके दिखा रहा था,
इस तरीके के बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉन्ड्स में उनकी ब्रेकेज हो जाएगी एट द रूम टेम्परेचर, और एक ये बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। हम ये प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे थे, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी उनको बोला जाता है, उनकी बात कर रहे थे बेटा। अगर थोड़ा और इनके बारे में जाने, इमेजिन कर लीजिए ME, दिस इज बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इतने क्रिएट हुए हैं। MH, दिस इज बेटा नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही होल होंगे, बराबर ही रहेंगे। इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्योर, दिस इज बेटे प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैं कह देता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें आपके पास बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो हैं ये बेटे कंप्लीटली बराबर हैं, एग्जैक्टली बराबर हैं रादर। और इनका बेटे जो फर्दर मोर नंबर है ये आपका इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जितने भी हैं इनके नंबर के बराबर ही रहेगा। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जब आपने इसमें कोई इम्प्योरिटी एडिशन नहीं किया हुआ, इसको आपने और भी ज्यादा अच्छा कंडक्टिंग बनाने के लिए कोई इम्प्योरिटीज इन दी फॉर्म ऑफ सम अदर एटम्स ऐड नहीं की हुई। फिर से बेटे एक बार ध्यान से समझिएगा, जब तक हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स के केस में आपका कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप किए थे, उस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में भी है, वो मेटल्स इसीलिए अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स में फॉरबिडन बैंड का गैप बहुत बड़ा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब बैंड गैप रहता है, और उसकी वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकते और वो कंडक्ट नहीं करता। और अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब बैंड गैप जो है वो डिस्कस किया था। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो एग्जांपल्स आपके बड़े प्रोमिनेंट हैं। सिलिकॉन के केस में आपका बैंड गैप बेटे जो है ये 0.7 वोल्ट्स के करीब करीब जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के करीब करीब इसकी वैल्यू है। मतलब अगर आप इसको इतनी एनर्जी दे देंगे अपने सिलिकॉन के क्रिस्टल को, तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा आपका सेमीकंडक्टर। और अगर बात कर लें जर्मेनियम की, जर्मेनियम के केस में बैंड गैप आपका 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और आपको जर्मेनियम के केस में उससे भी कम एनर्जी चाहिए सो दैट कि आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाए बेटा। सो इन दिस वे हम बेटा अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेटअप में भी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है बेटा इनका मूवमेंट स्टडी कर सकते हैं। सो बेटा ये आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर, इसकी जो कंडक्टिविटी है ये रिमार्केबली गुड है, लेकिन वी ऑलवेज सर्च की हमारी कंडक्टिविटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाए और अच्छे कंडक्टर की तरह ये बिहेव करना स्टार्ट कर दे। तो इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को फर्दर इंप्रूव करने के लिए इसमें बेटा कंट्रोल्ड वे में ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज का एडिशन किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बेटा डोपिंग। सो आइए बेटा अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेटअप के बाद हम बेटे इस डोपिंग के प्रोसेस को स्टडी करें। व्हाट डू वी मीन बाय डोपिंग, और डोपिंग करने का फायदा क्या है, और डोपिंग होगी कैसी। लेट अस बेटे फोकस अपॉन दिस ऑल। इस सिचुएशन में बेटे लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डिफाइन डोपिंग इन द सेमीकंडक्टर्स, फिर हम बेटे आगे चलते हैं डोपिंग के बाद कि हमने कैसे इसको और भी ज्यादा इंप्रूव कर लेना है। लेट अस गो फॉर विद बेटा डोपिंग। साइंस में डोपिंग आपका बेटे जो प्रोसेस है, टेक्निक है, ये वो टेक्निक है जिसमें आप कंट्रोल्ड वे में इस प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज के एटम ऐड कर देते हो जस्ट टू इंप्रूव द कंडक्टिविटी। सो डोपिंग बेटे जो है इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच
इंप्योरिटी एटम्स आर एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर इन ए कंट्रोल्ड मैनर इन ए कंट्रोल्ड मैनर टू इंप्रूव द कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए जनरली बेटे वन पार्ट पर मिलियन एटम्स ऐड किया जाता है. मतलब एक मिलियन एटम अगर आपके प्योर सेमीकंडक्टर के होंगे तो एक एटम इम्प्योरिटी का आप उस रेशियो में एडिशन करते हैं. बहुत ज्यादा भी ऐड नहीं किया जाता, फिर आपके इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. अब बेटे डोपिंग टेक्निक जो है ये कंप्लीट कैसे की जाती है, डोपिंग प्रोसेस कंप्लीट कैसे किया जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा. आप इम्प्योरिटी एटम्स के एटमोस्फियर में प्योर सेमीकंडक्टर की उसको मेल्ट अगर करते हैं देन बेटा उसके कुछ एटम्स जो हैं उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं. सेकेंडली आपके पास एक इम्प्योरिटी का इसको आप एज प्रोजेक्टाइल यूज कर रहे हो, आप इसको प्योर सेमीकंडक्टर पर सप्लाई करवा देते हैं तो फ्यू एटम्स वहां पर इसके अटैच हो जाएंगे एज सच. या आप ऐसे कह लीजिए आपने इम्प्योरिटी एटम्स का कुछ पार्ट मास नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेटेड वे में उठाए, इनको इनटू द मेल्ट ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर ड्रॉप कर दिया, तो बिकॉज वो मॉल्टन स्टेट में है इसके एटम उसके जो खाली स्पेसेस है वहां पर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे. सो तीन बेटे टेक्निक्स हैं. एक तो ये है कि आप इम्प्योरिटी एटम्स को इनटू द मेल्ट ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, ये इम्प्योरिटी एटम्स वहां पर एडजस्ट हो जाएंगे. दूसरी बात, आप बेटे इम्प्योरिटी एटम्स के एटमोस्फियर में अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हीट कर दीजिए तो कुछ ना कुछ एटम्स उसके बेटे जो है उसमें एडजस्ट हो जाएंगे. और थर्ड वे है, आप अपने इम्प्योरिटी एटम्स को एज प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जानकर इसको प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल पर सप्लाई करवा दीजिए तो फ्यू नंबर ऑफ एटम्स एज पर अवर कैलकुलेशन दे मे गेट एम्बेडेड इनटू दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल और हमारा जो है इम्प्रूवमेंट रिमार्केबली कंडक्टिविटी की टर्म्स में इस सेमीकंडक्टर का हो जाएगा. अब कैसी इम्प्योरिटी होनी चाहिए हमारे पास बेटे ताकि हमारी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की इम्प्रूव हो जाए? दो तरह के बेटे आपके पास इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, पेंटावेलेंट बेटा एंड एक हमारे पास है ट्राईवेलेंट एटम्स. पेंटावेलेंट एटम्स में बेटे आपके पास आ जाता है फास्फोरस आ जाता है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी. फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ये कुछ पेंटावेलेंट एटम्स आपके पास इम्प्योरिटी के अवेलेबल हैं. इनके आउटर शेल में पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो वो जो फालतू वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रेजेंस की वजह से जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हो तो आपके पास बेटे एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है. एक होता है ट्राईवेलेंट, इसमें तीन वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है बेटे इंडियम गैलियम बोरॉन. ये कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ तीन वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब आप इनको प्योर सेमीकंडक्टर्स में ऐड करोगे आपके पास बेटे पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी. याद रखिएगा आपका अब जो इन एटम की एडिशन के बाद सेमीकंडक्टर क्रिस्टल नया बन गया है इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इनका प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स के स्क्वायर के बराबर लगभग होता है. कई बार ये एक नंबर में
छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। पहले हमने किया था प्योर में एन आई इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू एन एच, बराबर बराबर ही रहते हैं। यहां पर होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स का प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स के स्क्वायर के बराबर होगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो प्रेजेंटली बेटा हम ये बात कर रहे थे कि प्योर हमारा जो सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी तो अच्छी है, लेकिन हम और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते थे, और वो इंक्रीज करने के लिए हमने प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड कर दिए, उससे एन टाइप हमारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बन गया। अगर उसमें ट्राइवेलेंट एटम ऐड कर दिए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बन गया। अब आइए थोड़ी बात करके देखें कि ये बनते कैसे हैं, क्रिस्टल कैसा लगेगा, और क्रिस्टल के बाद एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होगा। पहले एन टाइप का डिस्कस करेंगे बच्चों, फिर हम करेंगे पी टाइप का डिस्कशन ऑन द कंपैरेटिव बेसिस। बेटा आइए देखें बेटे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। एन टाइप, तीन एग्जांपल्स हमने लिखे हैं एन टाइप के, हमारे पास था फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना बेटा। तो ये कुछ पेंटावेलेंट एम्प्योरिटी एटम्स की एग्जांपल्स हैं बेटा। आइए सबसे पहले क्रिस्टल सेटअप देखें। ये आपके पास सिलिकॉन के एटम्स, ये आपका प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल, इसको हमने हटा दिया, इसकी जगह पर हमने फास्फोरस अटैच कर दिया, ठीक है जी। ये आपके कोवलेंट बॉन्ड्स बने पड़े हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, दिस इज देयर बेटा। अब बच्चों बाकी के तो सारे इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्डिंग में यूज हो गए हुए हैं, बिकॉज इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांचवा इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ क्रिस्टल के अंदर पड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आप लो टेम्परेचर से जैसे जैसे इसको रूम टेम्परेचर की तरफ लेके आ रहे हैं, सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व है, इट विल बिकम फ्री बेटा। द मोमेंट इट विल बिकम फ्री, ये इलेक्ट्रॉन आपका कहीं भी इस क्रिस्टल में बेटा इजीली मूव कर सकता है। ये आपको बेटे इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, बिकॉज आप इसको लो टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर की तरफ लेके आ रहे हो तो कोवलेंट बॉन्ड्स भी ब्रेक होंगे। मान लीजिए ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, यहां पे होल बन गया, बिल्कुल। इसमें देखिएगा अब होल एक ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमने टू शो कर दिए, इट विल मीन दैट कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होंगे बेटा। और आप इसको ये ऐसे नहीं कहोगे, आप कहोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजोरिटी कैरियर्स हैं और होल्स आपके माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, बिल्कुल। तो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स दीज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बिकॉज होल्स का नंबर इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी कम है। अब बेटे इसी चीज को हम एनर्जी लेवल डायग्राम की फॉर्म में कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, लेट अस फोकस अपॉन दैट आल्सो। आपको याद होगा हमने बात की थी
हमारे पास ये बेटा एनर्जी बैंड डायग्राम है इस तरीके से दिस वे। ये आपका वैलेंस बैंड, ये बच्चों आपका कंडक्शन बैंड, दिस इज फॉरबिडन बैंड। वो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन आप देख रहे थे इनसाइड द क्रिस्टल सेटअप, ये वाला ड्यू टू द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, इस इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को यहां पे एडजस्ट कर रखा है यहां पे, ये दिस इज कॉल्ड बेटे डोनर एनर्जी लेवल। ये स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी लेवल यहां पे बन जाता है, इट इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसका जो एनर्जी का गैप है यहां पर, ये दिस इज बेटे 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी 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 लेस। आप इसको जरा सा भी लो टेम्परेचर से अगर रूम टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सबसे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज आपका क्रिस्टल सेटअप डोनेट कर रहा है कंडक्शन बैंड को, दैट इज वाई डोनर एनर्जी लेवल। दिस इज फॉरबिडन बैंड, फॉरबिडन मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा। चलिए और ध्यान दीजिए बेटा, अब वैलेंस बैंड में आपके ये बेटे इलेक्ट्रॉन्स है सच कंटेन्ड है। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन जो है रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया जंप करने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे होल बन गई, तो यू कैन वेल व्यू दैट इनसाइड द कंडक्शन बैंड आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दीज आर फार मोर देन नंबर ऑफ होल्स इनसाइड द वैलेंस बैंड। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके एंटी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनका नंबर ज्यादा होने की वजह से, और होल्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। सबसे जरूरी बात यहां पर बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया आपके पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में, तो इंप्योरिटी एटम का अब नेचर कैसा बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद? यस बिल्कुल ठीक, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में इम्प्योरिटी के आयन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये बात नहीं भूलनी आपने। जब हम पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन करेंगे ना, तब हमें इस कंसेप्ट की बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरत पड़ेगी। सो बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में आपके इम्प्योरिटी आयन्स जो है दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें देखिए जी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है तो क्या एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा? आंसर इज नो, बिकॉज ये पांचवा इलेक्ट्रॉन इस एटम का ही हिस्सा था, इट इज ए पार्ट ऑफ दैट, एटम की न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, इट विल हैव नो नेगेटिव चार्ज एज सच, इट विल बी क्रिस्टल विल बी एज सच न्यूट्रल। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने, सो इन दिस वे आप इसको समझ सकते हैं, राइट। लेट अस प्रोसीड फर्दर विद द पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इज फॉर्म्ड बेसिकली बाय द एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स इनटू द मेल्ट ऑफ द इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। सो लेट अस फोकस अपॉन द फॉर्मेशन पार्ट ऑफ दिस सच मटेरियल। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स में हमने बेटा प्रेजेंटली इंडियम देन गैलियम एंड देन बोरॉन, ये हमने बेसिक एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इट विल बी ऑफ दिस टाइप, these are silicon atoms are present in the crystal structure and few of these silicon atoms these may be getting replaced by your impurity atoms which are trivalent in nature,
So let us go for with the bond formation over here. Replace this silicon atom by pentavalent, maybe indium, or these are the covalent bonds that which we otherwise indicate or we show as such this way. These are all completely involved in covalent bond formation. This is completely occupied one, or this is your setup. जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका वन लेस है, इट वॉज हैविंग वन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से बेटे यहाँ पे एक ऑलरेडी होल एग्जिस्ट कर रहा है, खाली जगह एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इसमें तीन ही इलेक्ट्रॉन थे, तो ये वाला कोवलेंट बॉन्ड जो इसका एक सीट खाली है इलेक्ट्रॉन के लिए. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सबसे पहले जब आप इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर की तरफ लेके आओगे, कोई नेबरिंग इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करने के लिए भागेगा, उससे क्या होगा, आपका होल इधर शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन बेटे इमेजिन करिएगा, इसमें क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, एक होल जरूर आपको दिख रहा है. अगर ऐसे ही हम और इम्प्योरिटी का एटम ऐड करेंगे, नंबर ऑफ होल्स आपके दो हो जाएंगे. इन सिंपल वर्ड्स, पी टाइप में आपका नंबर ऑफ होल्स जो है बिल्कुल ठीक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है. इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं. नहीं, हम इसको हीट नहीं दे रहे, इसको एब्सोल्यूट जीरो से रूम टेम्परेचर की तरफ लेके आ रहे हैं. आप इनडायरेक्टली हीट देना कह सकते हो. सो इसको आप बेटे मेजॉरिटी आपकी इसमें होल्स की है और माइनॉरिटी आपकी जो है इलेक्ट्रॉन्स की है. बेटा डियर, आप एनर्जी लेवल डायग्राम की टर्म्स में अगर सोचें, ये आपके पास आपका एनर्जी लेवल डायग्राम इन आपके जो है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इनके लिए, ये आपका वैलेंस बैंड, ये आपका फॉरबिडन बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड. बेटा डियर, ये वाला जो आप होल देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा, ये होल्स आप जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देख रहे हो, इन्होंने अपना एक अलग ही यहां पर एनर्जी लेवल बना लिया. दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल. एक्सेप्टर लेवल बड़े ही ध्यान से देखेंगे. अगेन, द मोमेंट यू विल शिफ्ट यूअर सेमीकंडक्टर फ्रॉम सम लो टेम्परेचर टूवर्ड्स द रूम टेम्परेचर, बेटे आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके इस बेटा एक्सेप्टर लेवल में पहुंच जाएगा. तो सबसे पहले आपका एक्सेप्टर लेवल फिल होगा और होल्स आपकी फटाफट कोवलेंट बॉन्ड की ट्रांसफरेंस या उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस की वजह से वैलेंस बैंड में शिफ्ट कर जाएगी. कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी भी, लेकिन वैलेंस बैंड में होल्स आपकी बढ़ गई है. रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जंप करके यहाँ आ जाएगा, होल एक और हो जाएगा. तो यू कैन वेल सी दैट कि यहाँ पर मजॉरिटी आपके होल्स की है और ये इसी वजह से आपका बेटे जो है इसमें आपका माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और मजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स. ये वाला बेटे ये होल्स हैं ऑलरेडी. ये वाला होल जो आप देख रहे हो ना, ये होल फॉरबिडन बैंड में ये एनर्जी का गैप करीब करीब 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है. ये यहाँ पे एक अलग ही लेवल बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं एक्सेप्टर लेवल, बिकॉज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को. नहीं नहीं बेटे, आप मेरी बात फिर से समझो. यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे पहुंच गए जब आपका टेम्परेचर सफिशियंट नहीं था, पीछे होल इधर आ गए, अब ये होल फिल हो गए, या ये कह लो कि ये होल इधर शिफ्ट हो गए, ये भी कह सकते हो ना. और दूसरी बात, जब आप इसको रूम टेम्परेचर पर ले आए, तब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इसमें होल्स का नंबर ऑलरेडी बढ़ गया, ज्यादा था, और आपका बेटे जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है इसमें होल्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से ज्यादा हो गया.
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, कोई इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, बिकॉज वो जो होल देख भी रहे हो आप, दैट इज ए पार्ट ऑफ दिस एटम एज सच। हम ये नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो एक बात और छोटी सी, पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका इम्प्योरिटी एटम ट्राइवेलेंट आपने ऐड कर दिया, इसने ये इलेक्ट्रॉन खा लिया, पकड़ लिया, कैच कर लिया, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन दिस इम्प्योरिटी एटम? माइनस चार्ज। इस बात को याद रखिए, इम्प्योरिटी आयन पुत्र नेगेटिवली चार्ज होगा। दिस ये चीज याद रखिएगा आपके। थैंक यू बेटे ऑल।